Hello students, I am Anil Madan and welcome to my YouTube channel CK Study Smart PCM Classes. I think आप सारे busy होंगे अपने board की तैयारी में, तो आज कुछ नया उठाते हैं, very interesting and very important topic, height and distance in mathematics. इसका एक sum तो आपका fourth category, that is the section D में आता है, 4 marks की category का. और आजकल जो केस स्टडी आ रहा है उसमें तो डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग इट. सो विश यू ऑल द बेस्ट. वी स्टार्ट विद द हाइट एंड डिस्टेंस. हाइट्स एंड डिस्टेंसेस तो उठाते हैं इसका फर्स्ट टाइप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस कैटेगरी में स्टूडेंट्स देखिए, पहला क्वेश्चन उठाते हैं. फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर high building, the angle of elevation of the top of the cable tower, so I have shown our cable tower, is 60 degree. Angle of elevation, जब हम अपनी आँख को उठाते हैं, normal जो line of sight है, उससे ऊपर उठाते हैं. जब downcast eyes हो जाएगी, तो angle of depression हो जाएगा. So here, from the top of the 7 meter high building, the tower has been shown. I have to see up, angle of elevation. ये आपका इमेजिनरी लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. नॉर्मल आप ऐसे देखते, इफ यू आर हियर एट द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ऊपर देखा तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री आ गया. एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट फुट ऑफ द टॉवर, दैट्स अ पॉइंट ई है, आई हैव शोन ओवर हियर, इज 45 डिग्री. यस, सो दिस इज 45 डिग्री. सो जो आपको निकालना है उसी को एज्यूम कर लीजिएगा, उससे आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा व्हाट टू सॉल्व एट लास्ट. सो फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, उसको हमने स्मॉल एस सिटी नोट कर दिया. आई थिंक इट्स ओके, इट विल मेक योर सम सॉल्विंग इजियर, सिंपलर, इट्स वेरी इजी वन, यू विल बी एंजॉयिंग इट. ये फुल मार्क्स इसमें आ जाएंगे आपके, नोबडी कैन कट इट, आई एम श्योर. अब इसमें हमने ट्रायंगल्स जो लेने हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल्स ही लेने हैं, कभी भी कोई दूसरा इसमें ट्रायंगल नहीं लेना जो उसमें 90 डिग्री नहीं है. ये एक पहला टिप हो गया, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इट. सो आई विल बी टेकिंग दिस पॉइंट बी, सो आई एम टेकिंग ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी. इसमें यदि ये मैंने 7 मीटर माना है तो सामने का भी क्या आएगा, 7 मीटर, और ऊपर की हाइट जो ये पोर्शन रह जाएगा दैट इज एच माइनस 7 मीटर. यस, सो इन दिस ट्रायंगल एबीसी व्हाट इज देयर, टैन 60 डिग्री. सबसे मजे की बात है कि इस चैप्टर में आपको ज्यादा टी रेशियोज याद करने की जरूरत ही नहीं है, मोस्टली टैन चलेगा या कभी कभार कॉट. यस, सो 99% टेंजेंट थीटा से आपका ये चैप्टर इजीली हो जाएगा, यू बी एंजॉयिंग इट. सो टेंजेंट 60 क्या बना आपके पास, दिस बीसी अपॉन एबी, व्हाट इज बीसी लेफ्ट ओवर हियर, एच माइनस 7, और इसको आप रिज्यूम कर लीजिए बेस बी. यस, एंड नाउ व्हाट इज टेंजेंट 60, दैट्स रूट 3, एच माइनस 7 अपॉन बी, इसको यहां रख लीजिएगा. नाउ आई हैव टू टेक अनदर ट्रायंगल वेयर आई एम शोइंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट इज ट्रायंगल एबीडी. इसमें भी राइट एंगल आया ना, यस, सो इसको हम इधर ले लेते हैं. इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, टेंजेंट 45 इज इक्वल टू व्हाट, दिस बी डी अपॉन ए बी, व्हाट इज बी डी, 7 मीटर, क्योंकि टॉवर की हाइट 7 मीटर थी, तो इट्स अ रेक्टेंगल, तो सामने भी 7 मीटर है. यस, एंड अपॉन बी, टेंजेंट 45 इज व्हाट, 1, सो 7 मीटर बी, सो बी का वैल्यू कितना आ गया, 7 मीटर. Sometimes it can be asked, what's the distance of that tower from the point of observation? So you have to find out that. So अब उस b का value हमने यहाँ पर सबसे छूट कर दे रहा है. Yes. So this is the expression 2. हमारा target क्या है? H. Height. वही पूछा गया है. उसी को हमने assume करना है. Now root 3. H minus 7. B का value यहाँ आ गया 7. So what is there? 7 root 3 h minus 7. So what is h?
7 root 3 plus 7. The result is what? 7 root 3 plus 1. I think it's clear. ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं. यदि आपको डेसिमल में निकालना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1.732 plus 1. So 7 into 2.732 ये आपका 19 point something मीटर के आसपास आ जाएगा. I think it's clear. अब इस सब को मैंने क्यों चूज किया? क्योंकि इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन भी लग रहा है. नॉर्मल आई साइट ऐसे ऊपर देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, डाउन कास्ट आइज देखेंगे झुका के देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये इमेजरी लाइन के साथ लेना है ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन, कभी ये ना ले लेना. दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अनदर टिप आई एम गिविंग. अब इसमें जो क्वेश्चन आ जाएंगे, डेक ऑफ द शिप पानी के लेवल से 8 मीटर ऊपर है, सामने एक लाइट हाउस है, आपने ऊपर देखा एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन. एक बच्चा है वो अपने घर के ऊपर टेरेस के ऊपर खड़ा हुआ है, सामने मॉल है, ऊपर देखा एंगल ऑफ एलिवेशन, मॉल के फुट पे देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन. सो ये सारे डेक वाला टाइप, टेरेस वाला टाइप, ये सारे वो टाइप हो गए. आई थिंक यू कैन एंजॉय इट. यस, अब लेते हैं दूसरा टाइप. दैट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, यू बी एंजॉइंग इट आई थिंक. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन गोइंग फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड. अब पॉइंट ए को ग्राउंड पे लेना है. यस, तो पॉइंट ए को यहां ले लीजिए. यस, जेट प्लेन जा रहा है, इज गोइंग 60 डिग्री. द एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या है? 60 डिग्री. तो मैं अपना एरोप्लेन आपको यहां दिखा दूं. आई थिंक अच्छा नहीं बना लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड. सो एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे मैंने कहा आपको आंख को ऊपर उठाना है इज 60 डिग्री. ए बॉय स्टैंडिंग हियर, ही इज ऑब्जर्विंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फ्लाइंग जेट एट पर्टिकुलर टाइम एट दैट इंस्टेंट. द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. After a flight of 15 second, ध्यान दें, time दे रहा है, distance नहीं दे रहा. 15 second के बाद, angle changes to 30 degree. Okay, if the jet plane is flying at the constant height, यदि constant height है तो मतलब उसी height पे चल रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, 26 जनवरी के period की तरह नीचे नहीं आ रहा, loop नहीं बना रहा, सीधा जा रहा है. Yes, और 15 second के बाद the same plane is here, there is not another plane, the angle of elevation changes to 30 degree. Yes, so ye angle aap dikha dijiye 30 degree. I think it's okay. And height kya hai? Constant hai. Theek hai, it is not a tower, it is not a tower now, it is a height which is constant, root 3 meter. Aur yahan bhi height सेम ही लेके चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात. पहला काम ट्रायंगल्स मान लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी. यस, और इसको आप एडी मान लीजिए. मेरे पास टाइम है कि 15 सेकंड्स के अंदर ये पोजीशन सी से डी पे गया और एंगल ऑफ एलिवेशन जो यहीं पर बन रहा था वो 60 डिग्री था, अब जाके वो डी पे ठहर गया 30 पर. Yes, तो पहले आप इस ट्रायंगल को ले लीजिएगा, दैट्स राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, फिर उस पे सॉल्व करेंगे. ठीक है, और हमने निकालना क्या है? स्पीड ऑफ द जेट. तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए पड़ेगी क्योंकि मेरे को टाइम तो मालूम है. तो मैं इस डिस्टेंस को मान लेता हूं एक्स, एबी को, और बी को मान लेता हूं वाई. सो इट इज अ रेक्टेंगल, तो ये डिस्टेंस भी किसका काम करेगा? y का. ये सारा आपका केस स्टडी भी हो गया. यू हैव अंडरस्टूड द थिंग. अब ट्रायंगल लेते हैं. इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एजरी मंजूर करना है ताकि कभी कंफ्यूजन ना रह जाए. यस, टेंजेंट 60 डिग्री, क्योंकि एंगल बड़ा है, दूर जाएगी तो एंगल छोटा हो गया. यस, इज व्हाट? हाइट क्या है यहां पर? 1500. एग्जाम में आप लिख सकते हैं सीबी एंड दैट, कंफ्यूजन नहीं रहेगा. एंड डिस्टेंस इज x, इसको ज़ूम किया मैंने. टेंजेंट 60 इज व्हाट? रूट 3, 1500, रूट 3 x, रूट 3 गॉट कैंसिल विद दिस, सो x इज व्हाट? 1500 मीटर. ये हमें कहीं काम आएगा, इसे संभाल के रखते हैं क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? दिस डिस्टेंस y. अब उस ट्रायंगल को चूज करते हैं. यस, इन राइट एंगल ट्रायंगल
एईडी, एईडी में क्या हो गया, टेंजेंट 30 इज इक्वल टू व्हाट, हाइट 1500 रूट 3 एस अपॉन एक्स प्लस वाई। अभी पूरा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल चूज किया मैंने, ये कंप्लीट ट्रायंगल, तो एक्स और वाई, एक्स का वैल्यू तो हमें है ही है, लेट्स सी क्या करना है उसका। 1 बाय रूट 3 इज इक्वल टू 1500 रूट 3 एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, आई थिंक 1500 रूट 3 रूट 3 3 हो जाएगा, एक्स वाई को इधर ले आइए, एक्स प्लस वाई, नाउ 1500 इंटू 3 दैट इज 4500, यस ये 3 बन गया था ना बेटे, एक्स, एक्स क्या है 1500, इसका वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर ले यहां से, दैट इज 1500, सो वाई कितना ठहर गया बेटा, उधर जाके माइनस हुआ ए, तो इट इज 3000 मीटर। अब मेरा टारगेट पास आ गया क्योंकि मेरे पास वाई निकल आया, टाइम मुझे मालूम है, तो इसकी स्पीड वही निकाल दे, तो इसकी स्पीड यही निकाल देते हैं, कितना बना स्पीड, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज वाई, टाइम इज टी, वाई कितना आया आपके पास बेटा 300 मीटर, और टाइम कितना आया आपके पास 15 सेकेंड्स, सो आई थिंक इट इज 200 मीटर पर सेकेंड। अक्सर देखा जाता है कि एरोप्लेन की स्पीड को किलोमीटर पर आवर में बोलते हैं, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि किलोमीटर पर आवर में क्या होगा, इट्स ऐसा यूनिट है तो उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं हम, इससे कोई बात बड़ी बात नहीं, 200 मीटर पर सेकंड था, नीचे 1 सेकंड था, ऊपर 200 मीटर, मीटर को आप कन्वर्ट कर दीजिए किलोमीटर में बाय डिवाइडिंग बाय 1000, सेकंड को आप कन्वर्ट कर दीजिए आवर्स में बाय डिवाइडिंग बाय 3600, तो बेटे ये क्या बनेगा आपके पास 200 अपॉन 1000, 3600 ऊपर चला गया, यस, तो आपके पास 720 किलोमीटर पर आवर बन जाएगा, ओके, सो एक और टाइप हो गया, इसमें काफी सारे सम्स हैं, उनको प्रैक्टिस कीजिएगा, और भी यदि कोई टाइप होगा तो उसको हम डिस्कस करते हैं, एंड यू कीप ऑन राइटिंग, हमें लिखिएगा, अपनी प्रॉब्लम मुझे शेयर कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर इसको इंक्लूड कर लूंगा, आई बी टेकिंग कीपिंग दिस चैनल फ्री फॉर यू, जैसे मैंने पेंडेमिक में अज्यूम किया था, एंड आप बड़ा अच्छा करेंगे, आई एम वेरी होपफुल अबाउट यू, तो तुम्हारी प्रॉब्लम्स को शेयर करें मेरे साथ, और चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, उसको सब्सक्राइब भी करिए, यस आई एम विद यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।